क्या टफ था ज्यादातर, फिजिक्स केमिस्ट्री कि मैथ कि तीनों ऐसे ही थे? फिजिक्स 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 ज्यादा टफ था है ना, हाँ कोई ऐसा मिलेगा ही मिलेगा तीनों में से कोई फिजिक्स ज्यादा टफ रहेगा, एक रिलेटिवली कम और एक रिलेटिवली इजी रहेगा। ये ऐसा हो सकता है कि तीनों ही टफ हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है ना। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया क्या? सॉल्व कर दे, हाँ है सर ना, सॉल्व कर देता हूँ 51। जल्दी से आप अपना ये सब देखते रहो कि आपका क्या आंसर आया था, उसको सॉल्व क्या करना है। इफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज अ सबसेट ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वालिटी दिस, देन द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इज आर। तो पहली बात तो ये देखो कि जैसे मॉड ऑफ क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस के लेस देन टू लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस के जो है वो लेस देन टू और ग्रेटर देन माइनस टू हो जाएगा। तो के ऐड कर दें, के माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन टू प्लस के, और ये 1 हो जाएगा। क्या ये इतनी बात समझ आई? तो यदि ये इनइक्वालिटी है, इसका आंसर ये आ गया, पहली बात तो ये, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका जो सॉल्यूशन है इज अ सबसेट ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी दिस। तो अभी दूसरी इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है, 2x-1 अपॉन x+2 लेस देन 1 को। तो 1 को इस साइड ले आओ, मतलब 2x-1 अपॉन x+2 -1 लेस देन 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2x-1 माइनस x+2 अपॉन x+2 लेस देन 0, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ x कट हो जाएगा, तो क्या मिला, 2x-x, तो ये x आ जाएगा, और -1 -2 -3 हो गया, और अपॉन में x+2 लेस देन 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर वेवी कर्व लगा देंगे, या इंटरवल मेथड जिसको आप बोलते हो। तो -2 3 ±+ सो h पर दी रिजल्ट नेगेटिव रीजन लेंगे, तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -2 से 3 तक। ये आ गया ना, कॉल दिस बी सेकंड। अब देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो है इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू k -2 से 2+k तक, यही है ना। अब ये बोला जा रहा है कि जो पहला वन है, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो सबसेट ऑफ दिस का मतलब है कि 2+ जो k है वो क्या लेस देन 3 आएगा, इसकी अपर लिमिट इससे छोटी होगी, होगी कि नहीं होगी, इसकी अपर लिमिट इससे छोटी होगी, मतलब k का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। और यहां पे देखो दूसरा वाला सिचुएशन है कि ये k -2 से बड़ा होना चाहिए, -2 लेस देन k -2, तभी इसको सबसेट बोलेंगे इसका। तो ये क्या बोल रहा है कि k जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब k लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, सो यहां पे क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू, कहां से कहा था, 0 to 1, ऐसा आ रहा है। इफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज अ सबसेट ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी दिस, देन नहीं, इक्वल इक्वल भी हो सकता है ना बच्चा, इक्वल हो गया तो भी सॉल्यूशन बनेगा। ये ऐसा हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी, तो ये जो है यहाँ 0 and 1, कौन कौन सा आंसर आ जाएगा बताओ इसमें। ये समझो इक्वलिटी क्यों लगाई है इस तरह से, देखो यदि ये इक्वल भी हो गया, इसके 2+k लेस देन और इक्वल टू भी हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब
तो भी ये सबसेट बन ही जाएगा, तो यहाँ पे भी इक्वालिटी वाला सिचुएशन है। तो क्या बोला जा रहा है, देन द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इज आर, तो के की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो एंड वन, जीरो एंड वन। सो जीरो, जीरो तो है नहीं, वन है, तो मैं से ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या यही आंसर आया था आपसे अंशुमान गौरव? यही आया था, उन्होंने इंटीग्रल वैल्यूज पूछा है, तो हाँ जीरो नहीं हो सकता। हाँ जीरो हो सकता, लेकिन जीरो ऑप्शन में ही नहीं है सर। नहीं सर, उन्होंने वैल्यूज पूछा तो आंसर टू है ना, क्योंकि दो वैल्यूज है। ये नहीं पूछा कि नंबर ऑफ, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, ये नहीं पूछा है। उन्होंने पूछा है देन द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, कि के की तो मतलब नंबर ही पूछा है ना, नहीं पूछा है। देन द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू वैल्यूज ऑफ के इज आर, वैल्यू या वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। नंबर कहाँ पूछा ये, उन्होंने ये पूछा कि के की इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है। अंशुमान रेवती, समझा क्या? हाँ सर, क्लियर हुआ क्या? नहीं नहीं क्लियर, ये टू नहीं आएगा। यदि ऐसा इस क्वेश्चन में ये होता, देन द नंबर ऑफ, नंबर्स ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इज आर, तब फिर दो होता। अभी इस तरह से, जिस तरह से लिखा है, पूछ रहा है कि भाई के की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो जीरो, जीरो हो सकती है और वन हो सकती है। जीरो इसमें दिया नहीं, तो वन पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 52 हो गया क्या? क्या आंसर आया था बताओ, सोच के बताओ क्या आंसर आया था 52 का। ओके चलो मैं सॉल्व कर देता हूं इसको सर, दो मिनट। इसका आंसर ए लिखा था मैंने। सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वेशन, दिस इज, इस इनइक्वेशन के लिए सॉल्यूशन सेट आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, और इस सबको ना लेफ्ट में लेके आ जाते हैं, तो ये प्लस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो हो गया ये। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स टाइम्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, ऐसा आ गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा। 2x square minus 2x and minus 1 upon x less than or equal to 0. अच्छा, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? फैक्टराइज करना तो मुश्किल होगा क्योंकि इसके सर फॉर्मूला में से वो b square minus 4ac निकाल के, हाँ तो इसे इसके रूट निकाल लेते हैं, तो रूट 2x square minus 2x minus 1 equal to 0, इसके रूट क्या क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब फोर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, ए मतलब टू और सी, सी मतलब माइनस वन, सो ये प्लस अपॉन टू ए, टू इंटू टू, इस तरह से। ये कितना हो गया बताओ, आठ चाहे बारह, तो x इज इक्वल टू टू प्लस माइनस ट्वेल्व को क्या टू रूट लिख सकते हैं, और अपॉन टू इंटू टू, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, वन प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन टू। अच्छा, तो अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसके तीन फैक्टर हो जाएंगे, मतलब ये टू, इसके एक फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस ये वन प्लस रूट थ्री बाई टू,
है ना, इनटू दूसरा हो जाएगा x माइनस वन माइनस रूट थ्री बाई टू और अपॉन में आ जाएगा x इस तरह से, एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसमें टू भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये टू इसका कोएफिशिएंट्स है, तो इस तरह से आएगा। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, इसमें वेवी कर्व लगाना है। वेवी कर्व के लिए ये तीन पॉइंट आपको देखना पड़ेगा रिलेटिवली कहाँ पे है। एक तो जीरो हो गया, एक वन प्लस रूट थ्री बाई टू जो कि यहाँ पे कहीं होगा, वन प्लस रूट थ्री बाई टू, और ये वन माइनस रूट थ्री बाई टू ये नेगेटिव है, तो ये वन माइनस रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। ये प्लस माइनस आ गया इस तरह से। अब देखो ये क्या चाहिए हमें, लेस देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। तो डिनोमिनेटर में देखो क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा और सब जगह क्लोज आ जाएगा, यहाँ सब क्लोज आएगा, यहाँ पे ओपन आएगा, और लेस देन वाला रीजन चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से वन माइनस रूट थ्री बाई टू, यहाँ पे तो क्लोज आ जाएगा यूनियन, फिर नेगेटिव रीजन मतलब जीरो से लेके और यहाँ पे वन प्लस रूट थ्री बाई टू यहाँ क्लोज आ जाएगा, समझे? तो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई है ऐसा जो मैच कर रहा है? ए है ना सर, तो ए किया था। करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड गुड। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बताओ इसमें 53 हो गया था, कितना आंसर आया 53 बताओ? नहीं आंसर नहीं है, समझ गया वह सर, आया था याद नहीं है, वो डायरेक्टली ओएमआर पे किया था। The number of distinct real root, I think मेरा 3 आया था सर। हाँ शायद, क्योंकि ऊपर x minus 4 is equal to 0 या फिर okay, चलो बता, x minus 2 is equal to 0। इसका मेन कंसेप्ट क्या है ये देख लो, मेन कंसेप्ट क्या क्या है देखो, कि एक तो जीरो की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है, फर्स्ट कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है वन की पावर एनीथिंग हो तो भी वन होता है। तीसरा कंसेप्ट है माइनस वन की पावर इवन हो, इवन इंटीजर हो तो भी वन होता है। कुछ और बताओ? तो पहले तो एक काम करते हैं, हाँ यस यस, इसके अलावा और कोई सिचुएशन वाला था कि 1:0 पर वो तो मालूम, वन की पावर कुछ भी हो तो वन आ जाएगा ना, माइनस वन की पावर इवन इंटीजर हो तो वन आ जाएगा, और एक केस है जीरो की पावर जीरो भी वन होता है। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जीरो की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, ये कंसेप्ट लगा लेते हैं। तो यदि हम बात करें इसकी, तो मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड मॉड एक्स माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड एक्स इज इक्वल टू वन मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू प्लस माइनस वन, x यदि वन रखें तो क्या कभी ये जीरो होगा, माइनस वन रखें तो भी जीरो नहीं होगा, तो x बिलोंग्स टू फाइव हो जाएगा। इसमें चेक करो क्या कोई ऐसा x है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, बिल्कुल नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो पता क्या होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं मॉड x माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, तो x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, और यहाँ से x इज इक्वल टू एक वन प्लस थ्री मतलब फोर आ जाएगा, वन माइनस थ्री माइनस टू आ जाएगा। हाँ यस सर, यहाँ पे और एक कंडीशन होगी ना कि एनीथिंग द पावर जीरो। हाँ वो ज्यादा इस्तेमाल होगी। हाँ सर वो भी बिल्कुल बिल्कुल, फोर्थ वन एनीथिंग टू पावर जीरो कर देंगे तो वन आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, ये छूट गया था अपना, सही है, गुड
वेरी गुड सर, इसका ही सबसे ज्यादा यूज होगा ना। हाँ वो ही किया हमने। बिल्कुल। अच्छा ये इतना समझा क्या फर्स्ट वन? हाँ सर। अभी हमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है, ये सेकंड वाली कंडीशन। सेकंड वाली कंडीशन देखो, वन की पावर कुछ भी, तो मतलब मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस टू। अब इसकी पावर कुछ भी हो, इससे मतलब ही नहीं होता है, तो ये आंसर आ गया है। तो ये दो आ गए, ठीक है, दो मिलके। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट की बात की जा रही है। अच्छा तीसरा सिचुएशन क्या है, माइनस वन की पावर इवन, माइनस वन की पावर इवन इंटीजर, माइनस वन की पावर इवन इंटीजर कितना होगा बताओ यहाँ पे? एक्स जीरो होगा सर। मॉड एक्स माइनस वन को माइनस वन रख देते हैं, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। लेकिन ये देखना है कि जब एक्स जीरो रखा जाए तो इसकी जो पावर है, पावर कितनी है, मॉड एक्स माइनस वन माइनस थ्री, क्या ये इवन इंटीजर है? हाँ सर। तो जीरो पुट करेंगे तो वन माइनस थ्री माइनस टू ये इवन है, तो ये भी आंसर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट सिचुएशन, और जो अभी एक और है, जो यदि ये ना करते तो दिक्कत हो जाता, गलत हो जाता, ये थ्री मार्क्स करते और गलत हो जाता है आंसर। फोर्थ देख लेते हैं, एनीथिंग टू द पावर जीरो, तो मेनली हमें पावर को जीरो करना है, मॉड एक्स माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अच्छा इसको सॉल्व कर पहले ही कर चुके हैं, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा जब इसको जीरो करेंगे, फोर माइनस टू माइनस टू आ जाएगा, तो ये भी सॉल्यूशन होंगे। तो कितने सॉल्यूशन हो गए बताओ? फाइव। थिंक अबाउट इट, चार, दो दो चार पांच। लेकिन ये बोला जा रहा है डिस्टिंक्ट पूछा गया, तो देखो इसमें माइनस टू को ना दो बार आपने काउंट कर लिया, तो एक ही बार करना। हाँ एक ही बार काउंट करना, क्योंकि डिस्टिंक्ट रियल रूट पूछा ना, तो कितने आ जाएगा फिर, चार आ जाएगा। फोर। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 देखो, 54 को कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 54। सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज, तो पहली बात ये देखो, जिनका मॉड वैल्यू, जिनके ऊपर मॉड लगा है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं, मॉड एक्स माइनस थ्री, तो ये इवन पावर फैक्टर की तरह काम करेगा, ये सब एक्स माइनस टू ऐसे ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, ठीक है। तो अब इनको छोड़ देते हैं, इनके हिसाब से वेविकर या इंटरवल मेथड लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है, ये देखो ये जीरो हो गया और ये टू प्लस माइनस प्लस, चूंकि ये दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, और कैसे चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात की जा रही है, तो एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओपन यूनियन टू से इन्फिनिटी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, देखो ये मॉड भले ही है, लेकिन ये डिनोमिनेटर जो है ये क्या कहता है कि एक्स की वैल्यू थ्री नहीं होनी चाहिए, एक्स कैन नेवर बी थ्री। लेकिन यदि यहाँ इक्वालिटी की वजह से ये वाला कहता है कि भाई मैं तो जीरो हो सकता हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर में जीरो इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो मतलब एक्स की वैल्यू वन हो सकती है, तो यदि वन कहीं आया है तो वहां पे क्लोज इंटरवल आएगा, मतलब इंक्लूड होगा, लेकिन थ्री जो है वो एक्सक्लूड होगा। तो यहाँ पे देखो क्या वन ऑलरेडी इंक्लूड है, नहीं इंक्लूडेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें वन इंक्लूड करना पड़ेगा, तो वन इंक्लूड कर दिया, लेकिन थ्री को हटाना भी तो पड़ेगा, देखो इसमें थ्री काउंट है, तो हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, थ्री। सो इज देयर एनी ऑप्शन, सच काइंड ऑफ ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन मैच कर रहा है,
समझ आया सिचुएशन? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 55, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एक्स। इसको सॉल्व कर, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स। अब इसमें ये चार क्वेश्चंस हैं, चारों को अलग अलग तरह से आपको आंसर करना है, चारों में देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो बताओ ए ए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, क्या ये ट्रू है पहला वाला? हाँ सर, ये तो ट्रू है ना, क्योंकि मॉड ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस वन से तो हमेशा ही बड़ा होगा, चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए तो ये हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड मतलब ये करेक्ट है, हमें ये टिक लगाना है रॉन्ग पे, तो ये आंसर नहीं है। अच्छा बी देखो, ये कहा जा रहा है कि दिस, तो क्या ये ऐसा करना ठीक है? क्या ये ठीक है यहां से यहां जाना ऐसे? हमने क्या बोला था, क्या बोला था बताओ, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, वन लेस देन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ऐसे किया है ना, लेकिन इसमें साथ में एक चीज और लिख दी कि भाई ऐसा कर सकते हैं, ये तब कर सकते हैं जब फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन हो। अब चूंकि देखो x जब 1 से बड़ा होगा तो ये कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव नंबर है, और यदि ये पॉजिटिव नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब एज इट इज रिटेन रहेगी। तो भाई ऐसा मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब ये पॉजिटिव हो, तो मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया, गलत नहीं है। अच्छा सी के बारे में बात करते हैं, सी ये बी था, सी के बारे में बात करते हैं। इसमें देखो मॉड एक्स माइनस वन का साइन स्कीम बनाते हैं, ध्यान से सुनना, साइन स्कीम बनाते हैं, तो ये माइनस वन, माइनस वन और ये वन, ये दो नंबर है जहां पे ये जीरो हो रहा है, x की वैल्यू यदि वन से बड़ी हुई तो यहाँ ये पॉजिटिव आ जाएगा इसका फैक्टर, और माइनस वन वन जीरो यदि पुट कर दें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और माइनस वन से लेफ्ट में x यदि माइनस वन से कम किया तो फिर ये नेगेटिव, ये कितना आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, जैसे माइनस टू रखा तो माइनस टू का मॉड टू आ जाएगा, टू माइनस वन ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसी साइन स्कीम, क्या सेम साइन स्कीम x माइनस वन और x प्लस वन की होगी कि नहीं होगी, होगी। तो यदि जब इसकी और इसकी सेम साइन स्कीम है तो मतलब इस इनइक्वालिटी का जो आंसर है वही इनइक्वालिटी इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो ये भी बिल्कुल कैसा है, सही है। चेक दिस आउट, हमने क्या किया, मॉड एक्स माइनस वन की जगह ये लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है समझ आए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नाउ डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन तो ये क्या है, कहा जा रहा है कि मॉड एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, भाई ये नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन जीरो तो हो सकता है, और जीरो कहाँ पे होगा, एक्स इक्वल टू वन पे भी जीरो हो रहा है और टू पे भी जीरो, तो ये दो सॉल्यूशन हो गए। तो यदि ये कहा गया कि लेस देन इक्वल टू जीरो इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू फाइव, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, समझे। तो आंसर क्या होगा इसका, क्या मार्क करते हैं आप, क्या मार्क करते बताओ, यदि हम आपसे कहें कि आंसर मार्क करना है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आप ये इसको टिक करते कि ये रॉन्ग है, समझा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। यस सर,
आप वो एक बार बी ऑप्शन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? यस सर, देखो ये क्या है, मॉड एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो है। डी नहीं, बी, बी ऑप्शन। हाँ अच्छा, बी ऑप्शन है, ओके। देखो यहाँ पे हो कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा है पहले, कि भाई जो इनइक्वालिटी यदि सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसे ले आओ, एक तरफ ले आओ और फिर आप इसको सॉल्व कर दो, है ना, x माइनस वन लेस देन जीरो, ये सॉल्व करने का तरीका। फिर जो भी आंसर आए वैसे आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यदि आप कहो कि यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जो है ये किया गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, समझे? तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये इंप्लाय करेगा x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन वन, ये तभी कर सकता है जब x ग्रेटर देन वन हो, मतलब जब ये क्वांटिटी कैसी हो, पॉजिटिव, x जब समझ गए, तो कहने का मतलब यदि ये पॉजिटिव है तब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सोचो यदि नेगेटिव है, ओनली नेगेटिव है तो भी कर सकते हो, लेकिन उस समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसे सोचो समटाइम पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव है तो फिर नहीं कर सकते, क्लियर है ना? तो यदि हम ये इंश्योर कर पाए कभी इन एक क्वेश्चन में कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो फिर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यदि नहीं कर पाए तो ज्यादातर हम ऐसे ही करेंगे, मतलब हमारा तरीका यही होगा सॉल्व करने का। क्या इतनी बात समझ? ठीक है सर। हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 56 ये हो गया था, 56 इसको एक बार फिर से देखो, सॉल्व करो एक बार फिर से, थोड़ा टाइम दो इस पे, फिर डिस्कशन करते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर रियल नंबर ए बी सी एंड डी, मतलब ए बी सी डी जो है वो है रियल नंबर। अब ए डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या बोला जा रहा है कि ए बी का वैल्यू जीरो है, और बोला जा रहा है कि ए का वैल्यू जीरो है तो बी बिलोंग्स टू ऑल रियल हो सकता है, क्या ये ट्रू है? यदि इन दोनों में ए और बी का प्रोडक्ट जीरो है, जिसमें ए बोला गया कि ए जीरो है, तो जीरो इंटू बी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब बी कुछ भी होता रहे, बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कुछ भी पुट अप कर दीजिए, तो जो पहला स्टेटमेंट है क्या ये बिल्कुल सही है? सही है, मतलब रॉन्ग नहीं है, सही है ये, तो इसको टिक नहीं करना है। अच्छा बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो आप क्या कर दोगे कि ये कैंसिल कर दोगे, ये कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, बी इक्वल टू सी हो गया। तो इन्होंने कहा भाई बी इक्वल टू सी हो गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल, क्या ये सही है कि ए का कुछ भी हो वैल्यू हो हमेशा ऐसा कर सकते हैं? तो बस यही गलत है, यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यदि ए जीरो हो गया तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो जीरो इंटू टू एंड जीरो इंटू थ्री, आपने क्या किया, जीरो जीरो कट कर दिया तो टू इक्वल टू थ्री, इस तरह के रिजल्ट आ जाए जो कि इम्पॉसिबल है, फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यदि इस तरह का कैंसिलेशन कब होगा, कैंसिलेशन कब लगेगा, जब ये ए क्या हो, नॉन जीरो हो। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता कि यदि ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये कट होके बी इक्वल टू सी हो जाएगा, ये इसका मतलब हो जाएगा कि a belongs to all real except zero, यदि ऐसा होता तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट हो जाता। मतलब कब कैंसिल नहीं कर सकते हैं,
जब ये जीरो हो रहा हो फैक्टर, इसीलिए जब जैसे ऐसे लिखा कि x इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स टू एक्स माइनस थ्री, ऐसा कुछ लिखा है, तो यदि आप इस तरह से कट कर देते हो तो इसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ जीनियन सॉल्यूशन हो जाएगा। लॉस ऑफ जेन्युइन सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब इस तरह से कैंसिलेशन नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे, इस तरह की सिचुएशन को इनको एक तरफ लेके आते हैं, जैसे x 2x माइनस 3 माइनस x x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हो गया, x इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये x का वैल्यू क्या हो गया, 0 एंड 1 हो गया, 0 एंड 1 ये आ गया आंसर। तो यदि इस तरह से देखो कट कर देते तो एक ही सॉल्यूशन मिलता, क्या लिखते हैं आप, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाता, तो इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता और 0